मित्रों, हमारे भारत में ऐसे कई हजारों अनसुलझे रहस्य हैं। मित्रों बता दें, उनमें से उज्जैन भी एक है। उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां भोग के रूप में भगवान को प्रसाद के साथ साथ शराब भी चढ़ाया जाता है। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और हैरान की बात यह है कि शराब को भगवान के मुंह के पास ले जाते ही आश्चर्यजनक रूप से हजारों बॉटल शराब खत्म हो जाती है। और मित्रों, आपको शराब कहीं और नहीं बल्कि मंदिर के बाहर ही मिलती है। मित्रों, क्या इस सच में भगवान की कोई चमत्कारी शक्ति है या भगवान के नाम पे कोई स्कैम? मित्रों, कहानी आपकी होश उड़ाने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। मित्रों, ऐसे हमारे और सनातन धर्म की जानकारी वीडियोस को देखने के लिए इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, कहानी है उज्जैन की, जो मंदिरों से भरा एक शहर है। मित्रों, उनमें से एक प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर है जहां रोजाना सैकड़ों भक्त आते हैं। मित्रों, इस मंदिर की दिलचस्प बात है कि यहां भगवान को शराब की भोग चढ़ाया जाता है। मित्रों, इस बात पे आपको भले ही भरोसा ना हो पाए, लेकिन मैं बता दूं, यही सच्चाई है। और आपको मंदिर के बाहर पूजा सामग्री वाली अन्य दुकानों की तरह ही शराब बेचने वाली दुकान भी मिल जाती है। मित्रों, जब आप पूजा सामग्री के साथ अपनी शराब की बोतल को पुजारी को देते हैं, तो वे इसे एक थाले में डालकर मूर्ति के मुंह के पास ले जाते हैं। मित्रों, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में सारा शराब खत्म हो जाती है। मित्रों, रहस्य की बात है कि कई बार शोध करने के बावजूद हजारों शराब की बॉटल्स मूर्ति के गले से आखिर जाती कहां है, ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन कईयों का कहना है कि भगवान भैरव के पास भक्तों द्वारा चढ़ाई गई शराब को निगलने की शक्ति है। मित्रों, जबकि विज्ञान इससे अभी तक सहमत नहीं हुई है। मित्रों, यदि आप कभी उज्जैन जाते हो तो काल भैरव की इस चमत्कारी को अपने आंखों से जरूर देखिएगा। मित्रों, आपको क्या लगता है, वैसे कोई भगवान काल भैरव की चमत्कारी शक्ति है या इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपी है? कमेंट में अपना राय जरूर दे दीजिएगा। मित्रों, यहाँ तक आई गई हो तो इस गरीब की चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करके जाना।